जहां पर एक ही छत के नीचे प्रिंटिंग के तमाम काम मौजूद हैं। प्रिंटिंग की दुनिया में जिसकी जबरदस्त है होल्ड, वो है यमके द ग्राफिक वर्ल्ड। फर्स्ट फ्लोर उस्मानिया तरकारी मार्केट के बैक साइड नियर मारम्मा टेम्पल रायचूर। शानदार बिल्डिंग में कमर्शियल स्पेस रेंट पर अवेलेबल है। हार्ट ऑफ द सिटी कहलाने वाले इलाका सुपर मार्केट के करीब जैन टेम्पल रोड पर उषा लैब के बाजू बेहतरीन बिल्डिंग में किराए पर जगह दस्तियाब है। हैदराबादी नवाब सीमेंट मैनेजमेंट एंड कैटरिंग सर्विसेज, अपने फंक्शंस को आसान बनाइए हमारे साथ। नाज़रीन आदाब एवन टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। नाज़रीन, रायचूर शहर में मशहूर व मारूफ नाम जो उमरा और हज वगैरह के फ़राइज के लिए आपको सहूलत अता करता है, वो है अम्मा नूरी टूर एंड ट्रैवल्स। इसका रबी अव्वल का काफिला कल रायचूर से रवाना हुआ। उमरा को जाने वाले तमाम अफराद की रायचूर शहर के हाशमिया मस्जिद में गुलपोशी और शालपोशी की गई। बाद एक बस के जरिए तमाम लोग हैदराबाद को रवाना हुए। इससे कबल एमआर नूरी के टूर एंड ट्रैवल्स के जिम्मेदार हाफिज़ ओखारी मौलाना अब्दुल हमीद खान की जानिब से इन तमाम के लिए ज़ियाफ़त का अहतमाम किया गया था। बाद ज़ियाफ़त के ये काफिला उन्हीं के हमरा यानी इमाम साहब के हमरा उमरा के लिए रवाना हुआ। यहाँ से रायचूर से हैदराबाद शमसाबाद एयरपोर्ट को ये काफिला पहुँच चुका है, वहाँ से उनकी फ़्लाइट जिद्दा के लिए है। इस काफिले में हमारे कैमरामैन मोहम्मद सलमान के दोस्त मोहम्मद फारूक भी शामिल हैं, जो कि उमरा पे जा रहे हैं। इस मौके पर मोहम्मद सलमान ने भी और तमाम उमरा को जाने वालों को मुबारकबाद पेश की। अल्लाह का फ़ज़ल, उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदका, उनके प्यारे प्यारे सहाबा और सरकार के आला औलाद अज़वाज मुतहररात के सदका, कुल ताबईन व कुल औलिया बिलखुसूस हुज़ूर ग़ौसे आज़म मुस्तकीर के सदका, तमाम रईसुल अलिया इकराम का सदका, बिलखुसूस इमाम अहले सुन्नत फाज़िल बरेलवी मुफ्ती आज़म हिंद व ताजुश शरिया के फैज़ान से अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह और बिकरम रसूलुल्लाह अला, ये अम्मा नूरी का काफिला मदीना शरीफ के लिए रवाना हो रहा है जी। अब और इंशाअल्लाह मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1444 हिजरी की सरकार के कदमों में अदा की जाएगी। ये खालिस अल्लाह का एहसान है, उसके नबी के सदका कि अल्लाह ने मुझे तौफीक दी, मैं उसी की हिदायत उसी के प्यारे नबी के सदके कोशिश कर रहा हूँ कि मोतमरीन की सही खिदमत करूँ। बस आप हजरात से दुआ है कि अल्लाह मेरी इस टूटी फूटी खिदमत को कबूल फरमाए। ये सब मेरे माँ बाप की दुआएं, असातिज़ा की दुआएं, फैजान रजा मुस्तफ़ा हैं कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सही तरीके से शरीयत की रोशनी में उमरा कराऊं और जितने मुकद्दस मकामात उन्हें ज़ियारत कराऊं, ताकि एक सही तरीके से उमरा होकर आदमी के अंदर एक तब्दीली भी आए और अल्लाह उसके रसूल हमारी इबादतों को कबूल फरमाए। ये हमारी जिद्दोजहद छोटी मोटी कोशिश है, अल्लाह से कुल फरमाए, आप हजरत दुआ फरमाए। हम लोग कितने लोग हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह बिकरम रसूलुल्लाह अला अब फैजान औलिया सहाबा, मुझे मिलाकर 50 हाजी हैं माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह 1436 हिजरी से 2014 से अल्हम्दुलिल्लाह ये हकीर फकीर मस्जिद हाशमिया का खादिम इब्न अलहाज मोहम्मद हबीब खान साहब मरहूम का फर्जन खिदमत कर रहा है, अल्लाह ताला कुल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे कई दौरे हो चुके हैं, वैसे मीडिया पे आने का मुझे शौक नहीं, बस मजबूरन ताकि लोगों को सही खिदमत करने का जो जज्बा है वो बता सकूं और अल्लाह उसके रसूल कबूल फरमाए, ताकि आपको मुझे दुआएं मिले
और अल्लाह हमारी इस खिदमत को कबूल फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तो पूरे हाजियों की ईद मिलाद नबी मदीने में होगी इंशाल्लाह। सारे हाजी इनकी ईद मिलाद नबी सरकार के कदमों में होगी, फिर मदीने शरीफ से हम लोग एहराम बन के मक्का जाएंगे जिसे बड़ा उमरा कहा जाता है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतेह मक्का के मौके पर वहीं से एहराम बन के उमरे के लिए मदीना शरीफ गए थे। हमारे बहुत बड़ी सादतमंदी है, ये खालिस फजल इलाही फैजान रसूल फैजान सहाबा वलिया है, बस अल्लाह कबूल फरमाए।